हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनएचको मोबाइल्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको BS6 पल्सर N160 की पूरी कम्पलीटली सर्विस करके दिखाने वाला हूं। ये इस बाइक की फर्स्ट सर्विस है। फर्स्ट सर्विस में क्या काम होता है, कौन कौन से पार्ट्स चेंज होते हैं, आपको कितना खर्चा होने वाला है, आपको पल्सर N160 में कौन सा इंजन ऑयल ऐड करना है और कितनी कैपेसिटी में करना है, फर्स्ट सर्विस इतनी जल्दी क्यों होती है, इंजन ऑयल की क्या कॉस्ट है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, ये गाड़ी अब तक 769 किलोमीटर चल चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फर्स्ट सर्विस जो होती है 500 से 750 किलोमीटर तक 30 से 45 दिन के अंदर अंदर कराना होती है। दोस्तों, काफी सारे लोगों का सवाल रहता है फर्स्ट सर्विस इतनी जल्दी क्यों होती है। दोस्तों, गाड़ी का इंजन एकदम न्यू होता है, इंजन के अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं उनके बीच में बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं होता है, बिल्कुल भी गैप नहीं होता है। जब गाड़ी चलती है तो इंजन के अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं उनके बीच में गैप आता है और छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे कण इंजन का घिसा हुआ पार्ट इंजन ऑयल में मिक्स हो जाता है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल इंजन की तली में बैठ जाते हैं। इसीलिए हमें फर्स्ट सर्विस 500 से 750 किलोमीटर तक करा देना चाहिए ताकि इंजन अंदर से पूरी तरह से क्लीन हो जाए। तो गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंपनी के अकॉर्डिंग BS6 पल्सर N160 पूरी कम्प्लीटली सर्विस करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहो। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए गाड़ी की सर्विस करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सर्विस में जो सबसे पहला काम होता है, सबसे पहले हमें इंजन ऑयल को ड्रेन करना होता है। अगर आपकी बाइक ठंडी है तो इसे आपको 2 से 3 मिनट के लिए स्टार्ट कर देना है ताकि आपकी बाइक वार्म अप हो जाए, थोड़ी गर्म हो जाए। इससे क्या होता है, इससे इंजन ऑयल गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है। इंजन ऑयल को ड्रेन करने के लिए सबसे पहले आपको इस इंजन कवर को पूरा कम्प्लीटली ओपन कर लेना है। आपको इसे ओपन करके पूरा कम्प्लीटली बाहर निकाल देना है ताकि इंजन ऑयल ड्रेन करने में आपको परेशानी ना हो। उसके बाद आपको यहाँ पर 18 mm का एक ड्रेन नट मिलेगा, आपको इसे ओपन कर लेना है। इसके अंदर आपको एक और सेकेंडरी फिल्टर मिलेगा, आपको इसे प्लास की मदद से बाहर निकाल लेना है। आप देख सकते हो इसके अंदर काफी सारा डस्ट पार्टिकल है। इसके अंदर एक मैग्नेटिक सिस्टम लगा होता है जिससे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, इंजन का घिसा हुआ पार्ट इस पर चिपक जाता है। इससे हमारी गाड़ी का इंजन सेफ रहता है। तो गाइज, आप देख सकते हो इंजन ऑयल किस कंडीशन में, अभी इतना ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन फर्स्ट सर्विस पर हमें इंजन ऑयल को जल्दी ड्रेन करना होता है ताकि इंजन अंदर से पूरी तरह से क्लीन हो जाए। तो गाइज, अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर हर सर्विस पर चेंज होता है, इसके अंदर काफ़ी सारा डर्टी ऑयल होता है। ऑयल फिल्टर को ओपन करने के लिए आपको यहाँ 8 mm के 2 बोल्ट मिलेंगे, आपको इनको ओपन कर लेना है। मैं आपको ऑयल फिल्टर को पूरा कम्प्लीटली ओपन करके दिखा देता हूँ ये किस कंडीशन में है। तो गाइज, ये है इसका ऑयल फिल्टर, ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, हमें इसको चेंज करना होगा। ऑयल फिल्टर को आपको हर सर्विस पर चेंज करना है। तो गाइज, ये है इसका न्यू ऑयल फिल्टर बजाज कंपनी का। इसका पार्ट नंबर है JG5710-14। इसकी प्राइस की बात करें तो इसका इस टाइम प्राइस 79 रुपये है। मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। तो गाइज, आप देख सकते हो नया ऑयल फिल्टर और पुराना ऑयल फिल्टर किस कंडीशन में है। नए ऑयल फिल्टर को फिट करने से पहले आपको इसे अंदर से अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल अंदर ना रहे। अब आपको इस नए ऑयल फिल्टर को फिट करना है, आपको इसे अंदर की ओर पुश करना है और ये पूरा कम्प्लीटली फिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसकी प्लेट में ओरिंग लगा हुआ मिलेगा, आपको इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। इस पर कोई भी डस्ट पार्टिकल ना हो, नहीं तो इसका ओरिंग खराब हो जाएगा। तो गाइज, अब हमारा ऑयल फिल्टर भी पूरा कम्प्लीटली फिट हो चुका है। तो गाइज, अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है एयर फिल्टर। अब हमें इसके एयर फिल्टर को क्लीन करना होगा। एयर फिल्टर को ओपन करने के लिए आपको इसकी दोनों सीटों को ओपन कर लेना है। तो गाइज, ये रहा इसका एयर फिल्टर का बॉक्स, आपको इसे पूरा कम्प्लीटली ओपन कर लेना है। मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ ये किस कंडीशन में है। तो गाइज, ये रहा इसका एयर फिल्टर, अभी ये इतना ख़राब नहीं हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एयर फिल्टर हर 10,000 किलोमीटर पर चेंज होता है। आपको इसे एयर गन की मदद से हवा के प्रेशर से अच्छी तरह से क्लीन कर लेना ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल इस पर ना रहे। तो गाइज, मैंने इसके एयर फिल्टर को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, अब आपको इसे फिट कर देना है।
तो गाइज अब हमारा एयर फिल्टर भी पूरा कम्प्लीटली फिट हो चुका है। तो गाइज अब हमारा जो नेक्स्ट और सबसे ज़रूरी काम है, अब हमें इसके अंदर इंजन ऑयल को ऐड करना है। इंजन ऑयल को ऐड करने से पहले आपको 18 mm के ड्रेन नट को टाइट कर देना है। आपको इसके फिल्टर को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। इसके अंदर काफ़ी सारा डस्ट पार्टिकल होता है, इंजन का घिसा हुआ पार्ट होता है, आपको इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल इस पर ना रहे। अब आपको इस फिल्टर को अंदर की ओर पुश करना है और इसे पूरा कम्प्लीटली फिट कर देना है। अब आपको 18 mm के ड्रेन नट को अच्छी तरह से टाइट कर देना है ताकि यहाँ से कोई लीकेज ना हो। तो गाइज अब हमें इसके अंदर इंजन ऑयल को ऐड करना है। काफ़ी सारे लोगों का कंफ्यूजन था पल्सर N160 के अंदर कौन सा इंजन ऑयल ऐड करना चाहिए, उसकी ग्रेड क्या होना चाहिए, आपको कितनी मात्रा में इंजन ऑयल को ऐड करना है। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको इंजन ऑयल विंडो मिल जाएगा, यहाँ से आपको इंजन ऑयल को चेक कर लेना है इंजन ऑयल कम तो नहीं हुआ है। पहले हम इसके अंदर इंजन ऑयल को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस विंडो में इंजन ऑयल कहाँ तक रहना चाहिए। तो गाइस कंपनी के अकॉर्डिंग इसमें आपको बजाज का DTSI BS6 इंजन ऑयल ऐड करना है। इसकी ग्रेड है 10W40, इसका प्राइस है 693 रुपये, इसका मई 2022 का प्राइस है। इस डब्बे में आपको 1150 ml इंजन ऑयल मिलेगा, लेकिन इसके इंजन की कैपेसिटी 1250 ml है। इसमें आपको पूरा 1250 ml इंजन ऑयल ऐड करना है। इसकी सर्विस बुक में इंजन ऑयल कैपेसिटी के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हो रिफिल एट सर्विसिंग 1250 ml। अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हो तो इसमें आपको 1250 ml इंजन ऑयल ऐड करना है और ड्यूरिंग इंजन ओवरहॉल 1450 ml। 1450 ml इंजन ऑयल किस कंडीशन में पड़ेगा, अगर आपकी गाड़ी का इंजन खुलता है, इंजन में काम होता है, जब इंजन खुलता है तो सारा इंजन ऑयल निकल जाता है, उस कंडीशन में 1450 ml इंजन ऑयल ऐड होगा। तो अभी हमें 1250 ml इंजन ऑयल ऐड करना है। ये डब्बा 1150 ml का है, आपको अलग से 100 ml का इंजन ऑयल और लेना है। इसमें आपको पूरा 1250 ml इंजन ऑयल ऐड करना है। मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इसका केप ओपन करोगे, इसके अंदर आपको बजाज की ब्रांडिंग की सील लगी हुई मिलेगी कुछ इस टाइप की। ये सील पूरी कम्प्लीटली बंद होना चाहिए, कहीं से खुली हुई ना हो, कहीं से लीक ना हो। आप इंजन ऑयल को ऐड करने से पहले इस सील को चेकआउट ज़रूर कर लेना। ये डब्बा 1150 ml का है, आपको अलग से 100 ml का इंजन ऑयल और लेना है। इसमें आपको पूरा 1250 ml इंजन ऑयल ऐड करना है। आपको अलग से 100 ml का इंजन ऑयल और लेना है। तो गाइज इंजन ऑयल पूरा कम्प्लीटली ऐड हो चुका है। अब मैं आपको इंजन ऑयल विंडो के बारे में बता देता हूँ, आपको इंजन ऑयल को कैसे चेक करना है। इंजन ऑयल विंडो में आपको दो निशान मिल जाएंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। नीचे वाला निशान मिनिमम का है और ऊपर वाला निशान मैक्सिमम का है। इंजन ऑयल मैक्सिमम के निशान पर होना चाहिए, इंजन ऑयल मिनिमम से नीचे ना हो। आपको हर 500 किलोमीटर पर इंजन ऑयल का स्टेटस चेक करता रहना चाहिए। तो गाइस अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है चेन का एडजस्टमेंट, जिसके बिना गाड़ी की सर्विस अधूरी है। यहाँ से आपको इस कवर को ओपन करना है। अगर आपने पूरी गाड़ी की सर्विस कर दी और चेन एडजस्ट नहीं की तो गाड़ी की सर्विस अधूरी है। इसे आपको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल यहाँ पर ना रहे। इसकी चेन को आपको पेट्रोल से वॉश नहीं करना है, चेन को क्लीन करने के लिए चेन क्लीनर आता है, उसकी मदद से आपको चेन को क्लीन कर लेना है। अगर आपकी गाड़ी की चेन गंदी हो जाती है तो इसे आपको चेन क्लीनर की मदद से चेन को क्लीन कर लेना है। चेन को क्लीन कर लेने के बाद आपको चेन पर चेन ल्यूब लगाना है। इसकी चेन पर आपको इंजन ऑयल या फिर ग्रीस नहीं लगाना है, नहीं तो आपकी गाड़ी का चेन सेट जल्दी ख़राब हो जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चेन ल्यूब और चेन क्लीनर के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। तो गाइस इस गाड़ी की पूरी कम्प्लीटली सर्विस हो चुकी है, लेकिन गाड़ी में अभी भी सर्विस लाइट आ रही है। आपको सर्विस रिमाइंडर को कैसे रिमूव करना है, इस वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लेना। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पल्सर N160 की पूरी कम्प्लीटली सर्विस के बारे में बता दिया है। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपका कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे आपके यूट्यूब पर। गुड बाय।